अगर आपका आंखों पे इन्फेक्शन है या आप कंटिन्यूसली डे टाइम ड्राई करते हैं या साइकिलिंग राइड करते हैं तो डेफिनेटली आपको पहनना चाहिए एक पोलराइज सनग्लासेस। अभी आंखों पे थोड़ा इन्फेक्शन है तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि यूज़ करें पोलराइज ग्लास ओवर एनी अदर ग्लास। देखते हैं क्या क्या है इसका एडवांटेजेस डिफरेंसेस। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले ये बताता हूँ आप एक पोलराइज ग्लास को पोलराइज सनग्लास को कैसे पहचान पाओगे, एनालाइज कैसे कर पाओगे। आप अपना ग्लास लीजिए, पोलराइज ग्लास लीजिए और एक कंप्यूटर या अपने मोबाइल पर उससे देखिए, अपना ग्लास से देखिए। सीधा देखने पे आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर से जो रेस आ रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ हो रहा है आप देख पाओगे। मगर यही जो लेंस अगर पोलराइज है तो इसे आप टिल्ट करके देखिए तो आप देख पाओगे आपका जो ग्लास है कम्प्लीटली डार्क हो जाएगा। अगर आप पोलराइज ग्लास को टिल्ट करते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिडक्शन होगा लाइट्स पर, सिर्फ एक ही डायरेक्शन पर, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन पर ही ये मैक्सिमम लाइट रिसीव करेगा। पहले पहले जो समुद्र पर जाते थे वो लोग यूज करते थे ऐसी पोलराइज लेंसेज, क्योंकि समुद्र से जो रिफ्लेक्शन आता है उसे कट ऑफ करके आगे का विजिबिलिटी देखने के लिए पाने के लिए पोलराइज लेंस यूज करते थे। मगर ये जो टेक्नोलॉजी अभी पूरा का पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है क्योंकि इस पर फायदा बहुत ही है, आपका आंखों को सुकून मिलेगा। मगर कुछ जगह है जहां पर पोलराइज लेंस यूज नहीं होता, जैसे कि पायलट को, कैप्टन को, जो प्लेन के अंदर के कैबिन का जो इलेक्ट्रॉनिक्स देखने के लिए कोई भी है उसके अंदर आप पोलराइज लेंसेस को यूज नहीं कर पाओगे। सिंपल है, अगर आप टिल्ट करके देखेंगे तो कंप्लीट विजिबिलिटी उस पर नहीं आएगा। अब मैं बताता हूँ पोलराइज ग्लास का लॉजिक क्या है। इस पर एक फिल्टर है जो सिर्फ परमिट करता है वर्टिकली एक्सिस्ट रेस को, जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस रेस होता है उसे कम्प्लीटली फिल्टर कर देता है। लाइट के अंदर वाइब्रेशन होता है, जो डायरेक्ट सनलाइट है उस पर वाइब्रेशन बहुत ही कम होगा। मगर ये जो लाइट जब रिफ्लेक्ट होके आता है उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वाइब्रेशन बढ़ता है, जिसके कारण आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्लेयरिंग फील होगा। अब ये जो रिफ्लेक्टेड होके वाइब्रेट होके जो किरणें आ रहा है इस पर हॉरिजॉन और वर्टिकल डायरेक्शन पर होगा वाइब्रेशन। यहाँ पर पोलराइज लेंस कैसे काम करता है, सिर्फ अलाउ करता है वर्टिकल डायरेक्शन वाइब्रेशन को। चलिए अब देखते हैं सूर्य देवता को पोलराइज ग्लास यूज करके क्या आप सूर्य देवता को देख पाओगे। एक सिंपल टेस्ट है, आप देख सकते हैं जब सीधा देखते हैं और थ्रू पोलराइज ग्लास देखते हैं तो डिफरेंस क्या है। बहुत ही डिफरेंस है, आप सीधा से सीधा देख पाओगे यूजिंग दिस पोलराइज ग्लासेस। यहाँ पर किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन हो, जैसे कि स्काई से जो रिफ्लेक्ट होके आता है उन सब ग्लेयर्स को कट ऑफ कर देता है, बिल्कुल आप सूरज को अपने आंखों से देख पाओगे अगर आप यूज करते हैं पोलराइज ग्लासेस। जब आप परचेज करते हैं एक पोलराइज ग्लास तो आपको ध्यान रखना चाहिए हर एक स्टिकर ग्लास पोलराइज नहीं होता। जो पोलराइज है उसे आप टेस्ट करके देख पाओगे, अपना लैपटॉप या मोबाइल पर पोलराइज ग्लास के थ्रू देखिए और टिल्ट करके देखिए ये जो कटिंग लाइट कटिंग होता है कि नहीं। इसे एनालाइज करने के बाद ही आप उसे खरीदें। मार्केट पर ग्लासेस आते हैं स्टिकर लगाकर और बोलते हैं पोलराइज है, मगर ऐसा नहीं होता, आपको टेस्ट करके देखना चाहिए। हाँ, फास्ट्रैक या रेबन है तो दो स्टिकर होता है ग्लास पर जब आप परचेज करते हैं तो उसका मीनिंग है पोलराइज है। जब मैंने परचेज किया था फास्ट्रैक से तो वहाँ पर एक टेस्टिंग ऑब्जेक्ट था जो आप इस ग्लास के थ्रू देखने पर ही आपको विजिबल होगा। ऑनलाइन खरीदने पे इतना टेस्टिंग होगा या नहीं, आपको रियल मिलेगा या नहीं, ये रिस्क आप वहां पर लेना पड़ेगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, जब आप ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सनी डेज पर आप आउटडोर पर जाते हैं तो जो रिफ्लेक्शंस आता है, ग्लेयर आता है उसे कट ऑफ करके सिर्फ जो देखना चाहिए वो आप देख पाओगे, अच्छी तरह से डिटेल पे देख पाओगे। आपका आंखों पर जो कूलिंग इफेक्ट आता है जो आपका आंखों को स्ट्रेन नहीं करेगा, जिसके कारण आप लॉन्ग ड्राइव वर्क कर पाओगे। ये एडवांटेज आपको पिक करना चाहिए जब आप खरीदते हैं एक सनग्लासेस, क्योंकि आपको थोड़ा रुपया एक्स्ट्रा खर्च करने पे आपको अच्छा विजिबिलिटी और लेस स्ट्रेन वाला ग्लासेस आपको मिल रहा है, इसलिए जरूर पिक करें पोलराइज ग्लासेस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में देखा क्या है पोलराइज ग्लासेस, क्या क्या है इसका बेनिफिट्स। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।